गुड मॉर्निंग अमृतसर, शुभ प्रभात और आपका स्वागत है। देखिए जी, कभी कभी आई डिजर्व अ बिट ऑफ लग्जरी, तो जब मैं ताज स्वर्ण अमृतसर में आया तो मैंने सोचा क्यों ना हम प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, हेड्स ऑफ स्टेट, रिलीजियस हेड्स सब यहाँ पे रह चुके हैं। दलाई लामा यहाँ रह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ रह चुके हैं, और भी बहुत सारे डिग्निटरीज जो आते हैं दुनिया भर से वो यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं। ये हमारा PDR प्राइवेट डाइनिंग रूम, ये हमारा बैठने की जगह। यहाँ पर अगर आप आते तो हम बैठ के आपके साथ गुफ्तगू करते। गुफ्तगू, हेलो, हाउ आर यू, बैठिए बैठिए और सुनाइए आजकल GDP के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। और ख़ास बात, 24/7 बटलर सर्विस, यानी कि जब भी आपको कुछ भी चाहिए आपको अपना पर्सनल बटलर यहाँ पे होगा। आई लव द फ्लावर अरेंजमेंट, इतनी लग्जरी तो चाहिए, लेकिन लग्जरी एक तरफ और खाना एक तरफ, तो मैं जा रहा हूँ जरा ब्रेकफास्ट खाने। चलिए चलिए कुछ खाते। आज की थीम होने वाली है कूल, यानी कि कूल ग्रीन, कूल डार्क ग्लासेस। मैं भी बहुत कूल, आप भी बहुत कूल, सब कुछ कूल है। लेकिन कमिंग बैक टू वर्क, ताज स्वर्ण अमृतसर जो है बहुत ही एक कूल प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स मेरा रूम इज अनमैच्ड, लवली, आई डिजर्व इट। लेकिन उसके अलावा स्विमिंग पूल बहुत शानदार है प्रॉपर्टी। जब आप चलेंगे प्रॉपर्टी के आसपास, व्हेन यू गो फॉर अ वॉक, ब्यूटीफुल गार्डन्स, लवली प्रॉपर्टी, बहुत ही एक सूदिंग कूल किस्म की जगह है। और मेरे लिए पंजाब में आई थिंक ये मेरा फेवरेट होटल है टू कम एंड स्टे एट। तो मेरे को यहाँ ना भी आना हो, मैं इसीलिए आता हूँ ताकि मैं यहाँ पे रह सकूँ। कूल, आई एम कूल लाइक दैट, लाइक अ वाटरमेलन। और ऐसा ही ब्रेकफास्ट हमें मिलना चाहिए बिकॉज आई डिजर्व इट। तो आज सुबह हमने सोचा लग्जरी में क्यों ना शुरू किया जाए। यूजुअली हम लोग शुरू करते हैं और शाम तक जाके लग्जरी ढूंढते हैं, लेकिन आज दिस मॉर्निंग इज बिगिनिंग विद वैरायटी, यानी कि इतनी सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही खास हैं। आइए पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सबसे यूनिक आइटम जो आज आपने शायद ना देखी हो, मैंने आज तक शो पे फीचर नहीं करी। इसे बोलते हैं पिज्जा कुल्चा। पिज्जा कुल्चा, पिज्जा मतलब गीला, और ये है कुल्चा, बहुत ही खास। इसे इमली के पानी में डाला जाता है कुल्चे को, जब गीला हो जाए तो बाहर निकाल के छोले, चने, इमली, खट्टा सब ऊपर डाल के इसे सर्व किया जाता है। ये ऑफ कोर्स है अमृतसरी कुल्चा, वेरी वेरी फेमस। ये है अमृतसर के शास्त्री बाज़ार की भुर्जी, पनीर भुर्जी, बड़ी फेमस। ये है ओल्ड मार्केट का न्यूट्री। तो ये चीज़ें जो हैं चंडीगढ़ में, पंजाब में, अमृतसर में, आपको सब जगह मिल जाएंगी। न्यूट्री बहुत ही फेमस हो गया पंजाब में, क्योंकि पंजाब हैज़ अ हाई वेजिटेरियन पॉपुलेशन। तो ऐसा खाना जब आप ताज स्वर्ण में आएंगे अमृतसर में, आपको ब्रेकफास्ट में अवेलेबल होगा एवरी सिंगल डे। तो आपको सिर्फ ये करना है, GT रोड पकड़ के ग्रैंड ट्रंक में आ जाइए। आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, दो दो GT हो गए यहाँ पर। ग्रैंड ट्रंक इज़ द रेस्टोरेंट जो ताज स्वर्ण अमृतसर में है, बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ब्रेकफास्ट के लिए खुला रहता है। ये सब आपको डेली बेसिस पर मिल जाएगा। और सबसे खास बात, इनका जो अमृतसरी कुल्चा है ना, दिस इज सेकेंड टू नन, यानी कि ये कुल्चा, खूब सारा मक्खन और ये चटनी, इतना अच्छा कुल्चा आपको अमृतसर में रेयरली मिलेगा। तो अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा ग्रैंड ट्रंक को। हाँ, सुपर। और अगर पास आके देखें तो अच्छे कुल्चे का साइन है कि इसे उंगलियों से दबा के फ्लैटन किया गया और फिर लगाया गया। तो इससे क्या होता है, आपको एक ऑल्टरनेट लेयर मिलता है, एक सॉफ्ट लेयर जहाँ उंगली के ऊपर, और जहाँ अंदर गया वहाँ से क्रिस्प होके एक क्रंची लेयर। तो टेक्सचर में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है, अंदर से पूरा पक जाता है। रियल मास्टरी यही है कि इसे फ्लैटन करके पकाया जाए। पिज्जा कुल्चा जो है एकदम सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि गीला है ऑब्वियसली सॉफ्ट होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें बॉडी आ जाती है। कुल्चा तो आपने देखा ही है, लेकिन ये फ्लफ होके एकदम मोटा हो जाता है, और सॉफ्ट होके जब आप इसे प्याज के क्रंच के साथ खाएं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स। साथ में केसरी लस्सी, नमकीन लस्सी, ब्लूबेरी स्मूदी, कोल्ड कॉफ़ी, जूसेस, फ्रेश जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, योगर्ट्स, इमरती, जलेबी, पिन्नी, ये बड़ी फेमस है पंजाब की जी। द पिन्नी इज़ वेरी वेरी फेमस।
जब आप पंजाब आएँ तो पिनी ज़रूर ट्राई कीजिए। हर एक स्टेट का एक खास स्वीट डिश होता है, ये पंजाब का स्वीट डिश है। देसी घी की गुडनेस, ओह ओह ओह, रिस्पेक्ट। एक मिनट, थोड़ा रिस्पेक्ट निकलने दीजिए। सो गुड, सो गुड। एकदम एक चुईनेस इसके एंड में, जो पिन्नी में रेयर होती है, और बड़े प्यार से इसको हाथ से बनाया गया है। एब्सोल्युटली फैबुलस। तो मेरा दिन तो हो गया जी बहुत अच्छी स्टार्ट शुरू, लेकिन आज आपने गेस करना है कि हमारी गाड़ी जब यहाँ से निकलेगी तो शाम को जाके कहाँ रुकेगी। और परसों हमने आपको पूछा था कि हमारी गाड़ी आज कहाँ रुकेगी, वो तो मैं आपका उल्लू बना देती हूँ, अब तो परसों अमृतसर में ही थे। लेकिन आज मैं सीरियस हुआ, आज शाम को आपको बता रहा हमारी गाड़ी कहाँ रुकेगी, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अमृतसर से बाहर और कहीं और जा रहा हूँ आपको और कुछ दिखाने के लिए। तो गेस करके ज़रूर बताइएगा, और जिसने करेक्ट किया कल सुबह उसका नाम अनाउंस करके तालियां बजाएंगे उसके लिए। तो गेटिंग बैक टू द ब्रेकफास्ट, देखिए जी छोले और पूरी जब तक ना हो तब तक अमृतसरी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो खास चीज़ न्यूट्री, न्यूट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। न्यूट्री नगेट जो है बहुत पॉपुलर हो गया पंजाब में, अगेन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन। न्यूट्री अच्छा पकता है, मसाले वसाले खूब सारे डाल के, उन लोगों को बड़ा पसंद आता है खाने में। बिल्कुल जैसे मीट के स्पाइसेस होते हैं, मटन के बनाए जाते हैं, उस तरह तीखा, शार्प, वेल कुक, बहुत देर के लिए उसको पकाया गया, अच्छे अरसे के लिए। और जीटी में जब आप आएंगे ग्रैंड ट्रंक रेस्टोरेंट में ताज स्वर्ण अमृतसर में, तो आपको मिल जाएंगे ये सारी यूनिक डिशेस। वेस्टर्न आपके जो ब्रेकफास्ट आइटम्स सारे हैं, क्रोसॉन्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसमी, चिया सीड्स, ये सब है, खूब सारे अचार हैं। हाई रिकमेंडेशन, हालांकि हम हैं पंजाब में, लेकिन जो इनके डोसाएँ हैं और जो इनकी चटनियाँ हैं, वेरी वेरी फ्रेश, हर रोज़ फ्रेश बनाई जाती हैं, वेरी गुड, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन अमृतसर में मेरा दिल तो कुलचे और पिज्जे, कुलचे और न्यूट्री और पूरी पे अटका हुआ है। तो हालांकि जो भी हो, ब्रेकफास्ट इन्जॉय कीजिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, ये बोलता हूँ मैं। यानी मैं क्या किया बाई सेइंग, अब हमारी गड्डी बढ़ेगी आगे और देखते हैं कहाँ पे मोड़ आएगा, वहाँ से हम मुड़ जाएंगे। राइट सर, शॉर्ट हो जाए तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट क्विकली, तब तक मैं फ्रूटा को देख रहा हूँ। फ्रूटा, रंग बिरंगे फ्रूटा, चीज़ा, चार किस्म की चीज़ा, 1 2 3 4 5 6, और छः चीज़ यार, 6 टाइप्स की चीज़ें गिन ले। ओही शार्क्यूटरी, कोल्ड कट्टा, कोल्ड कट चिकन, ब्यूटीफुल, आई लव इट। और परौंठे, परौंठे, और परौंठों के बारे में यार बात करनी है प्लीज़, बीच में भूल ना जाऊँ मैं, मेरे को याद दिला देना शॉर्ट में। ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप?